नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में एक बार फिर से चर्चा में बने हुए हैं चिराग पासवान। देखिए, बीते दिन ही हमने आपको बताया था कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि चिराग पासवान को अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा था और भागे भागे चिराग पासवान दिल्ली चले गए थे। देखिए, आपने ये भी देखा होगा कि बीते दिन चिराग पासवान की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से भी होती है। आपको बता दें कि अब इस मुलाकात के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया रवि जी बातचीत के लिए। जी रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार फिर से लाइव सिटीज की खबर पर मुहर लग गई है और बीते दिन आपने भी देखा होगा कि मुलाकात हुई थी अचानक से चिराग पासवान और गृह मंत्री अमित शाह की। क्या लगता है ये मुलाकात कितनी सफल रही है? देखिए, चिराग पासवान जी पटना दौरे पर थे, पटना में वह मीटिंग कर रहे थे, पूर्व का उनका शेड्यूल बना हुआ था और कोर कमेटी की बैठक पार्टी की वह कर रहे थे अपने पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर के, जो 28 को होना है, तो 28 नवंबर बिल्कुल। तो उस लिहाज से वह मीटिंग करने के बाद उनका था यहाँ स्टे करने का पटना में, और भी कुछ कार्यक्रम था उनका, लेकिन वो छोड़ करके वो दिल्ली गए। दिल्ली में से यानी कि दिल्ली गए, यानी कि इससे पहले चिराग पासवान का फोन बजा और फोन आया और उनको दिल्ली तलब किया गया। किसका फोन आया था? देखिए, निश्चित रूप से जी किसी बड़े का ही फोन आया होगा, छोटे के फोन पर वह सारा शेड्यूल छोड़ करके भागते नहीं, प्लान कैंसिल नहीं। बिल्कुल, तो वो भागे, तो वो भागने का मतलब हुआ और देर शाम होते होते मीडिया में अमित शाह के साथ उनका गुलदस्ता लिए हुए और मैंने जो तस्वीर वायरल हो गई और सब जगह, तो हम लोगों की खबर पर यह मुहर लगी। हम लोगों ने कहा था कि चिराग पासवान दिल्ली भाग के गए और वहां पर अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी, यह सब बात पूरी तरह से फुल एंड फाइनल था, जिस पर मुहर हम लोगों की खबर पर लगी है। हम लोग की खबर पर मुहर लगी। हमने आपको बताया था कि प्लान को अचानक से कैंसिल करना पड़ा था चिराग पासवान को, क्यों करना पड़ा था वो तस्वीरों ने खुद ही गवाही दे दी है। रवि जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है सफल रही मुलाकात, कामयाब रही ये मुलाकात? देखिए, एक चीज समझ लीजिए, बिहार को कौन देख रहा है? बिहार को भारतीय जनता पार्टी एनडीए फोल्ड में अमित शाह ही देख रहे हैं जी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। भले प्रभारी कोई और हो जाए, प्रभारी किसी और को बना दिया जाए, लेकिन देखते हैं बिहार को अमित शाह ही। उन्हीं के अनुसार यहाँ पर 1+1, 2+1 यहाँ होता है। तो ये एनडीए फोल्ड में इंपॉर्टेंट घटक दल हैं, आपको चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, बिल्कुल, क्योंकि 5 के 5 सांसद उनके हैं। तो इस लिहाज से वो उनकी एक एक मूवमेंट, एक एक बात, एक एक उनके बात का तवज्जो वहां पर मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में अमित शाह से उनकी मुलाकात जब हुई तो किसी न किसी अहम मुद्दे पर ही बात हुई, और मिल कौन रहा है अमित शाह से? चिराग पासवान, जो अपनी पार्टी के स्वयं सुप्रीमो है, बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर से चुन लिए गए, बिल्कुल, तो वो प्रिमो की मुलाकात हो रही है बिहार के मामले में, बिहार के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह से, बिल्कुल। तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ, जब दो बड़े नेता मिलते हैं तो कोई वहां पर दूसरी बात तो होगी नहीं। समरीन, जब भी बात होगी तो वह बिहार के कंटेक्स्ट में, बिहार के बेहतरी के लिए, और बिहार में क्या कैसे कैसे एनडीए मजबूत होगा और क्या चिराग पासवान की पार्टी क्या करेगी आने वाले समय में और 2025 के चुनाव में, इन सब ही मुद्दों पर, और किसको किसको लेना है। अब जैसे चाचा पारस की पार्टी की बात हो रही है, उनको लेना है नहीं लेना है, क्या करना है, तो यह जो कुछ भी होगा विद द कंसेंट ऑफ चिराग पासवान ही होगा, विद द कंसेंट ऑफ चिराग पासवान ही होगा, निश्चित रूप से होगा। क्योंकि अब देखिए, उनके चाचा को लोकसभा के चुनाव में कुछ इग्नोर कर दिया गया था, दरकिनार कर दिया गया था, एक भी कहीं सीट, कोई ठिकाना ठौर, कोई खड़ा होने की जगह नहीं थी। तो अब इससे बड़ा अब क्या हो सकता है? तो ये विद द कंसेंट ऑफ चिराग पासवान बोलने का मतलब अब तो और मजबूती के साथ वो चले आए, 5 के 5, 100% स्ट्राइक रेट, जो हम नहीं पूरी दुनिया कह रही है, जितने लोग कहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में और चिराग पासवान मजबूत हुए हैं, इस लिहाज से जब अमित शाह से उनकी जब बात हो रही है तो कुछ न कुछ इसी लहजे में, इसी
बिंदु पर भी बात हुई होगी, इसी बिंदु पर और इसी लहजे में बात हुई होगी। देखिए रवि जी, आपको भी मालूम है कि उधर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होती है चिराग पासवान की, और इधर आधी रात में बीजेपी के तरफ से एक प्रेस नोट जारी कर दिया जाता है, हंगामेदार प्रेस नोट रहता है वो। क्या कुछ लिखा गया था उस प्रेस विज्ञप्ति में? देखिए, एक चीज तो पहली बात समझ लीजिए, प्रेस नोट जो है सो देर रात को जो बिहार भाजपा के प्रदेश मीडिया की ओर से जो जारी किया गया वह क्यों जारी किया गया? बिल्कुल, यह सपन तो वो राकेश कुमार सिंह कोई कथित जो भाजपा के नेता अपने आप को बताते हैं, वह स्पष्ट उस लेटर में लिखा हुआ है। हम कहेंगे कि आप उस लेटर को भी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आप उसको लगवा दीजिए कि बिल्कुल जी, आपके जी, व्यूवर्स जी, भी, ताकि व्यूअर्स भी देख सकें कि क्या कुछ लिखा गया है इस लेटर में। अब देखिए, हम उस लेटर को ही वर्बेटिम पढ़ देते हैं, क्या है उसमें। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार श्री राकेश सिंह, जो कि अपने आप को बकौल भारतीय जनता पार्टी का नेता बताकर हमारे गठबंधन के सम्मानित अहम सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री माननीय चिराग पासवान जी को लेकर सस्ती लोकप्रियता बटोरने के मंशा से भ्रामक खबरें और दुष्प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका खंडन करती है। अच्छा, बीजेपी इसका खंडन करती है। बिल्कुल जी। श्री राकेश कुमार सिंह न तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, अच्छा, और न ही किसी प्रकार से परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उनका हमारे दल से कोई संबंध है। और यह लेटर के नीचे में इनिशियल किसका है? दानिश इकबाल, प्रदेश मीडिया प्रभारी भाजपा बिहार। तो अब इसमें बोलने को रहा क्या? रवि जी, आपको भी मालूम होगा कि क्या कुछ खबरें चल रही थी। खबरें चल रही थी कि बीजेपी ने चिराग पासवान के साथ खेल कर दिया है। खेल क्यों किया है? आप भी जानते हैं कि राकेश सिंह ने बड़े बड़े आरोप लगा दिए थे चिराग पासवान पर। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से बड़े बड़े आरोप लगा दिए थे राकेश सिंह ने? देखिए, जो भाजपा का जो लेटर आया, हाँ, इस बात को समझ लीजिए, इस लेटर से अब सब कुछ पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि जो मीडिया जो ट्रायल कर रहा था या मीडिया जो ट्रायल ले रहा था जी, कि बीजेपी ने खेल कर दिया, बीजेपी ने खेल कर दिया और चिराग पासवान ऐसे, चिराग पासवान कमजोर, चिराग पासवान की पार्टी टूट रही है या जो भी है, तो यह तो अब स्पष्ट हो गया कि राकेश सिंह सो कोई है नहीं भारतीय जनता पार्टी में। यानी कि समझ लीजिए आप भी कि राकेश सिंह का बीजेपी के साथ दूर दूर तक कोई नाता, कोई रिश्ता नहीं है। जब वह आप नहीं कह रही है ना, हम कह रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी की खुद कह रही है, वो लेटर जो हम आपके स्क्रीन पर है, वो इस बात की गवाही दे रही है, इस बात की पुष्टि कर रही है। तो अब तो ये भी जान लेना जरूरी हो जाता है ना रवि जी, कि आखिर राकेश सिंह हंगामा क्यों मचाने लगे थे? क्या कुछ आरोप लगाया था चिराग पर? देखिए, राकेश सिंह जो अपने आप को भाजपा का बड़ा नेता बताते हैं, और वह कह रहे हैं कि चिराग पासवान पर, कि इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जो हलफनामा दिया, जो चुनाव आयोग को जो अपना जो लोग भरता है, उस भरने में वह कहीं ना कहीं कई सारी जो जानकारियों को उन्होंने छुपाया है या जानकारी को उन्होंने शेयर नहीं किया है, और यह एक बड़ी बात बता, यानी कि जानकारी नहीं बताने और जानकारी छुपाने दोनों का आरोप लगाया है। हाँ, और ये सस्ती लोकप्रियता, चीप पॉपुलैरिटी की बात कही जा, बटोरने की कोशिश की गई, कोशिश की गई है। तो यह सब बात जो है सो वह जो कर रहे हैं, तो और भी कई सारे आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग भी कर दी। अब देखिए कई सारे, अब जब वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के यही नहीं, मैंने सदस्य पार्टी पार्ट एंड पार्सल कह लीजिए नहीं है, तो फिर उनकी बात को एक एक करके बताना और कहना भी हम समझते हैं लाजमी नहीं। हमारी समझ हो सकता है कि अन्य लोग जो समझते हो वो कहें, क्योंकि उसमें कई सारे इस तरह की भी बात वो कहे गए हैं जो अनर्गल बात है जी, बिल्कुल, जो वो इस लिहाज से हम कह रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से डिनाइल कर दिया, आधी रात में ये लेटर जारी हुआ है, बता दें कि ये प्रेस विज्ञप्ति आधी रात में जारी हुई है, यानी कि मुलाकात के फौरन बाद। बिल्कुल, तो ये इस तरह की बातें कही जा रही हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने जब कह दिया कि अब वो नहीं है, तो फिर तो अब तो कोई बात ही नहीं, कोई इस बट की बात ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा, हमें ये भी समझना होगा और थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को भी समझाना होगा कि चिराग पासवान ने भी अपने सांसदों को बड़ा
बड़ा टास्क दे दिया था, बड़ा काम कह दिया था करने को। क्या कुछ कहा था चिराग पासवान ने? टास्क नहीं, वही कि धड़ल्ले से वीडियो गिरना शुरू हो गए। हाँ, देखिए वो आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक भ्रम की स्थिति और फैलाई गई कि चिराग पासवान की पार्टी के जो सांसद हैं वह छोड़ रहे हैं, बीजेपी उनके संपर्क में है, वो बीजेपी के संपर्क में है। एग्जैक्टली, तो यही बात, यह जो है सो कहीं ना कहीं एक रॉन्ग मैसेज जा रहा था, रॉन्ग मैसेज जा रहा था। बिल्कुल, यह रॉन्ग या उल्टा संदेश, गलत संदेश, जो भ्रम की स्थिति जो आप कह लीजिए वो जा रहा था। तो उसी लिहाज से कहीं ना कहीं आपको ये बात कहनी पड़ रही है कि सारे एमपीज जो उनके हैं सबको वो एक एक करके वीडियो जारी करके कि वीडियो मंगवा लिया। हाँ, वीडियो मंगवाए ने, वीडियो जारी किया, जारी करवा दिया। स्वयं उन लोगों ने एड्रेस करते हुए जनता को बताया कि हम पूरी मजबूती के साथ चिराग पासवान के साथ, लोजपा रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है, हम फलना समस्तीपुर सुरक्षित से हम शांभवी चौधरी, खगड़िया से हम राजेश वर्मा, अहम जो है जमुई सुरक्षित से अरुण भारती, वैशाली से वीणा देवी मैं बोल रही हूँ, और हम लोग मजबूती के साथ चिराग पासवान के साथ हैं, किसी भी घड़ी में किसी भी परिस्थिति में हम लोग इधर से उधर डोलने वाले नहीं। यानी कि खूंटा गाड़ के हम लोग अपने नेता चिराग पासवान के ही साथ हैं। रातों रात वीडियो भी तमाम सांसदों ने चिराग के जारी किया है। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे रवि जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अब क्या लगता है, मुलाकात भी हो गई, पत्र भी निकल गया, सांसदों ने अपना अपना स्पष्टीकरण भी दे दिया, अब क्या लगता है, टूट रही है क्या एलजेपी यार? अब भी बड़ा सवाल बना हुआ अच्छा, है। फिर हम देखिए, अब जिस बात को राकेश कुमार सिंह का ही की बात पर नहीं, सब तरह की चर्चाएं चलने लगी, ये होने लगा, नहीं उससे पहले भी राजद ने भी दावा किया, राजद ने भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम वही आ रहे हैं उस पर। तो राजद के एक विधायक ने बिल्कुल तो उसने मुकेश रोशन है, फिर बाकी नेताओं ने भी किया है, अन्य नेताओं ने भी इधर उधर अपना वो बोला। तो लेकिन अब देखिए, ये थोड़ा सा हम चलेंगे फिर उस पर हम चलते हैं, ये राकेश कुमार सिंह पर ही थोड़ा सा दो लाइन और हम बोलते हैं कि यही राकेश कुमार सिंह है जो इतनी जानकारी छन करके आ रही है कि 2020 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव, विधानसभा बिल्कुल, 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, जो जिस समय चिराग पासवान की पार्टी जो है सो लोजपा उस समय थी, उस समय लोजपा ही थी बिल्कुल, तो वो उस लोजपा से यह घोसी से यह उम्मीदवार थे। अच्छा, चुनाव भी लड़ चुके हैं और वो भी चिराग पासवान की पार्टी से, बिल्कुल बिल्कुल, वही राकेश सिंह आज बगावत कर रहे हैं, आज बगावत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये एक ये बड़ी बात है, बड़ी बात दिखाई पड़ी। अब रही बात आपकी कि ये सच में बगावत हो रही है कि टूट नहीं हो रही है, आखिर चल क्या रहा है, क्या एक बार फिर से चिराग पासवान को वही पुराना दर्द झेलना होगा क्या? नहीं देखिए, अब वो घड़ी नहीं आने वाली, वो घड़ी नहीं आएगी। अब चिराग पासवान की पार्टी के सभी सांसद एकदम पूरी तरह से कंफर्ट जोन में है, और क्यों नहीं रहेंगे, जिसके अध्यक्ष से वो, मैं अध्यक्ष कह लीजिए, मंत्री कह लीजिए, उनसे जब भी एक कॉल, मानी जब 24/7 एक कॉल की दूरी पर है, जब होता है चिराग पासवान से उनकी बात हो जाती है, ऐसा कौन अध्यक्ष होगा कि माने एक कॉल की दूरी पर सिर्फ कॉल करिए फोन पिक हो गया। आप दूसरे पार्टी में आप जा करके देख लीजिए कि गणेश परिक्रमा करते करते आप थक जाइए, आपको बात नहीं हो पाएगी, और यहाँ पर तो एक कॉल करिए चिराग पासवान से बात हो गई। तो ये इजी गोइंग है, वो इसलिए टफ नहीं है। तो वो अच्छा, वो चिराग पासवान यह सब चीज अपने पिता रामविलास पासवान से वो सीखे हैं कि रामविलास पासवान जितना इजी गोइंग हुआ करते थे, उतना ही इजी गोइंग चिराग पासवान भी है। चिराग पासवान से आपको मिलने के लिए आपको घंटों लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, चार दिन तक मैंने आपको एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, फोन करिए, बात करिए, काम आपका बिल्कुल। अगर आप उनके कृष्णापुरी आवास पर चले जाइएगा तो वही दृश्य आपको दिखेगा भी कि चिराग पासवान फरियादियों से आज भी मिलते हैं और उनकी फरियाद सुनते भी हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि कोई टूट नहीं होने जा रही है एलजेपीआर में, कोई बीजेपी का ऑपरेशन एलजेपीआर चालू नहीं है, क्यों करेगा बीजेपी, तो आपको सपोर्ट कर रही है चिराग पासवान के लिए, तो वह एकदम लगी हुई रह रही है, लगी हुई, हाँ हाँ, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है रवि उपाध्याय जी ने, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।